family. I have here with me my daughter Meher Punj. Hello everybody. Hello. आपने आप लोगों ने हमेशा मेरे कुकिंग शोज देखे हैं और कई बार मुझे रिक्वेस्ट किया है मेरे पोस्ट पर कि मैं कोई रेसिपीज पोस्ट कर आप लोगों को बताऊं, कुक कर आप लोगों को बताऊं। हमेशा मैं अपने काम में मशगूल रहती थी, मेरे सीरियल्स में, मेरे प्रोजेक्ट्स में, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब हम लॉकडाउन में है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रेसिपी अपनी इंस्टा फैमिली के लिए बनाई जाए। माय डॉटर हियर एवरी डे शी इज बीन क्रेविंग फॉर सम मैक्सिकन फूड, है ना मेहर? तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेहर की एक फेवरेट डिश बनाई जाए। एंड मेहर, व्हाट इज आवर डिश दैट वी आर मेकिंग? इलेक्टेबल बर्रिटो। यस, इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। इट्स अ वन बोल रेसिपी, वन मील इन इटसेल्फ। यहां पर मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। आप लोग चिंता मत करिए, मैं एक एक करके जब पैन में चीजें डालूंगी तो आप लोगों को बताती रहूंगी कि कितना इंग्रेडिएंट्स, कितने कौन से इंग्रेडिएंट्स, क्या क्वांटिटी, सब कुछ। चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए और इस रेसिपी, इस बर्रिटो बोल को हम बनाना शुरू करते हैं। राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आपने देखा है मैंने सबसे पहले तेल में डाला है थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन, विच इज गार्लिक, देन आई पुट चिली फ्लेक्स, उसके बाद लंबा कटा हुआ प्याज, और फिर मैक्सिकन वेजिटेबल्स विच इज बेल पेपर्स, हरी और लाल पीली लंबी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च, और उसके साथ कॉर्न। कॉर्न डालना बहुत जरूरी है बिकॉज मैक्सिकन बोल, एनी मैक्सिकन डिश में कॉर्न इज अ वेरी की इंग्रेडिएंट। सबको मैंने उसके बाद मैंने चावल ऐड किया है और अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है। समझिए एक अच्छा सा सॉटे करना है हमें इन सारी रेसिपीज को, और हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये एक मैक्सिकन बोल है, यानी कि हमारे तीन चार डिशेस बनने वाली है। उसके बाद हम एक बोल में लेयरिंग करके एक मैक्सिकन बोल रेडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी लेयर जो राइस की होगी वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके बाद हमें बनाने हैं राजमा को पकाना है। नाउ एवरी मैक्सिकन डिश अगेन हैज राजमा, विच इज अनदर की इंग्रेडिएंट ऑफ मैक्सिकन डिश। आप अगर इसे नॉन वेज बनाना चाहते हैं सो यू कैन रिप्लेस द राजमा विद सम डाइस बोनलेस चिकन। तो आपने देखा सबसे पहले मैंने लहसुन डाली, गार्लिक, उसके बाद सम चिली फ्लेक्स, उसके बाद मैंने एक पूरा कटा हुआ बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है, उसे अच्छे से सॉटे किया टू स्वेट इट आउट, तो वो एकदम अच्छे से कुक हो गया। उसके बाद मैंने एक कप राजमा लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके रखा था और उसका पानी मैंने यहाँ पर बचा के रखा था। तो मैंने राजमा को मिक्स कर दिया मेरे टमेटोज में और उसे कुक किया है, और उसके बाद आई हैव नॉट यूज वाटर बट आई हैव यूज द राजमा स्टॉक विच गिव्स अनदर फ्लेवर, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं तो उसका पानी जो बच जाता है जिसमें हम उसे बॉईल करते हैं उसमें सारे उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो प्लीज रिमेम्बर use all that stock in your gravies and curries, वही मैंने किया है। अब हमारी ये राजमा की जो लेयरिंग है जो राइस के साथ जाने वाली है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके बाद हम बनाएंगे साकरी एंड सालसा और उसके बाद हम अपना बोल को लेयर करेंगे। तो चलिए अभी हम साकरी की तैयारी कर लेते हैं। मुझे जो एक मैक्सिकन डिश में अच्छा लगता है वो है साकरी, और मैंने ये साकरी घर पर बनाई है। ये मैंने हंग कर्ड लिया हुआ है, टंगा हुआ दही, उसे दही को मैंने कपड़े में मसलिन क्लॉथ में निकाल लिया था और उसे पूरी रात मैंने टंगा कर रखा था, और ये अब मैंने उसे फ्रिज में स्टोर कर लिया था। अभी अभी मैंने इसे फ्रिज से निकाला है। अब इसमें मैं डालूंगी साकरी बनाने के लिए, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नींबू। नींबू जो आप डालेंगे तो यू हैव टू टेस्ट योर हंग कर्ड, इफ इट्स वेरी खट्टा देन आप नींबू अवॉइड कर दीजिए। और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पेपर, और ये बन गई है हमारी साकरी। ओके, लेट मी जस्ट टेस्ट इट। इट्स ऑसम। अच्छे से इसे स्टर अप कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए।
This is absolutely ready. Now we are going to make our salsa sauce. So here to make salsa, I'm taking some tomatoes, some onions, and अब हम tomatoes को थोड़ा सा इस बोल में हम दबा के उसे स्क्वीज कर लेंगे ताकि उसका जूस निकलता रहे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अच्छा, आप देखेंगे मेरा जो सॉल्ट है वो व्हाइट सॉल्ट नहीं है। यू नो आई लाइक टू यूज पिंक सॉल्ट। इट इज अ हेल्दियर वर्जन ऑफ सॉल्ट एंड इट्स ऑर्गेनिक। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नींबू एंड सम सिलेंट्रो विच इज कोरिएंडर या धनिया। और ऐसे एक बोल में इसको प्रिपेयर करिए और अब इसे एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए, शेक इट अप, ताकि सारे जूसेस अच्छे से एक दूसरे में जाए, टमाटर का भी जूस निकले। आप इसमें चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं, बट आई डोंट लाइक टू पुट दैट क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों को जब खाना होता है तो वी नीड टू सी। आप देख रहे हैं ये ऐसा जूसी बनना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि आप हरी मिर्च डाल सकते हैं बारीक काट के, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे तीखा बिल्कुल नहीं खाते हैं सो आई ट्राई टू मेक इट दिस वे। अब हमारे चार जो लेयर्स हैं बड़ी तो बहुत ही बिल्कुल रेडी हो गए हैं। नाउ लेट्स डू द लेयरिंग एंड लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स गो। तो अब हम करने वाले हैं हमारे बड़ी तो बहुत ही लेयरिंग। द बोल वी आर गोइंग टू गेट इट ऑल रेडी, वी हैव एवरीथिंग रेडी। सो फर्स्ट मैंने कमा दैट्स मामा, वी विल पुट सम राइस एट द बॉटम। मेहर अपना बोल रेडी कर रही है, मैं अपना बोल रेडी कर रही हूँ। देखिए मैंने राइस डाले हैं, उसे थोड़ा सा आप सेट कर दीजिए। आई थिंक आई नीड सम मोर। दैट इज माय फर्स्ट लेयर। सो मोर, वाओ मेहर दैट्स लवली। ओके, नाउ इसके बाद हम डालेंगे इसमें राजमा। नॉन वेजिटेरियंस जैसे कि मैंने कहा यू कैन यूज चिकन एंड द सेम प्रेपरेशन गोज फॉर यू। ये देखिए राजमा, ये हो गया मेरा दूसरा लेयर रेडी। अब मैं हम क्या डालेंगे इसके ऊपर, हम डालेंगे हमारी साफ क्रीम। I love to put a big, huge dollop of sour cream because I love it. Okay, sour cream को भी हमने डाल दिया है. Let's scoop it out. डालूंगी सैलसा जो हमने तैयार किया था, वो यम्मी सैलसा गोज ऑन दिस। Here you go, your burrito bowl is ready. Meher waiting to have this with you. Come on, get yours ready too. आपने देखा, it is a very simple dish
एंड परफेक्ट इन क्वारंटाइन, जब हमको इतना काम करने के बाद किचन में बिल्कुल खड़े होके खाना बनाने का वक्त नहीं मिलता, बट फैमिली के लिए बनाना तो है। इट इज अ वन बोल रेसिपी, वन पैन रेसिपी, जस्ट गेट योर इंग्रेडिएंट्स रेडी एंड यू आर रेडी बोल। सो बाइट अ बोल, वी हैव मेड इट।